हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6, वंस अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स डाइवर्सिटी। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन आई जस्ट वांट टू डिस्कस दैट वन ऑफ द स्टूडेंट हैज जस्ट टोल्ड मी through the comment box that just read on the whiteboard. So once again with the whiteboard in front of you, dear students, as it is also asked by a student Aryan that what is difference between civics and political science. So before this, the starting of this chapter, I just want to give you a little bit information about political science and civics. मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड 6 के मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में क्या डिफरेंस है। एक स्टूडेंट्स आर्यन के द्वारा ये क्वेश्चन अराइज किया गया था। तो पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है किसी प्लेस और किस उस प्लेस पे किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम रन कर रहा है, ठीक है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जितने भी सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, वो सारा कंट्रीज में रहने वाले लोग, किसी भी कंट्री का फॉर्मेशन वहां के सिटीजन से होता है, ठीक है। तो सिटीजन्स को स्मूथफुल, पीसफुल, कन्वीनियंट और कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए एक रूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है, और वो रूलिंग सिस्टम और वो शासन व्यवस्था तो किसी भी प्लेस का कि सिटीजन्स और वहाँ की शासन व्यवस्था का जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो चूंकि सारे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सारे कंट्रीज हैं, सभी जगह पे पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसा नहीं है। सभी जगह पे, कुछ जगह पर डेमोक्रेटिक है, कुछ नॉन डेमोक्रेटिक है। आज से पहले की टाइम करें तो डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक में देखा जाए तो एरिस्टोक्रेटिक, मोनार्कियल, डिक्टेटरशिप, मिलिट्रिकल, ये विभिन्न प्रकार के रूलिंग हैं। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ जा रहा होगा कि ये मिलिट्रिकल रूलिंग क्या है, डिक्टेटरशिप रूलिंग क्या है, एरिस्टोक्रेटिक रूलिंग क्या है। तो ये सारे तरह की रूलिंग्स को हम लोग फर्दरली आगे पढ़ेंगे। सिंपली आप ये समझें अभी कि पॉलिटिकल साइंस पूरे वर्ल्ड का, पूरे यूनिवर्स में जहाँ भी सिटीजन्स हैं और सिटीजन्स के स्मूथफुल, कंफर्टेबल और कन्वीनियंट लाइफ के लिए जो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक रूलिंग सिस्टम होता है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, तो सिटीजन्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रूलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, उसके स्टडी को ही हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। लेकिन अब किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले सिटीजन्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रूलिंग्स होते हैं उसको हम सिविक्स बोलते हैं। दूसरे रूप में आप इसको समझने का कोशिश करें कि सिविक्स एक प्लैनेट की तरह है। अगर पूरे पॉलिटिकल साइंस को, पूरा यूनिवर्स हम लें तो उस पूरे यूनिवर्स में सिविक्स जो है एक प्लैनेट की तरह है, राइट। इस पूरे यूनिवर्स में जैसे अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ क्या है, उस पूरे यूनिवर्स में एक प्लैनेट है। उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस जस्ट कंसर्न टू द होल पॉलिटिकल होल यूनिवर्स एंड सिविक्स इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स, राइट, एज अ प्लैनेट, राइट।
आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। सिविक्स वर्ड को और थोड़ा सा इलेबरेट करने का कोशिश करें हम लोग। सिविक्स वर्ड्स जो है वो सिविक से बना है। सिविक्स वर्ड जस्ट मेड फ्रॉम सिविक। सिविक मीन्स वॉट? सिविक्स मेड फ्रॉम सिविक। सिविक मीन्स सिविल पीपल, कॉमन पीपल, राइट? सिविक मीन्स सिविल पीपल। सिविल पीपल का मतलब क्या होता है? सोसाइटी में रहने वाले सभी तरह के लोग। तो दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस अंडर विच वी जस्ट अबाउट द कॉमन पीपल्स, राइट, इज जस्ट नोन एज द सिविक्स, राइट? तो कॉमन पीपल्स के बारे में स्टडी करने का मतलब क्या है? कॉमन पीपल्स के लाइफ स्टाइल से लेकर के उसके लाइफ, उसका लाइफ कन्वीनियंट और पीसफुल कैसे होगा, उसका स्टडी करना। तो जब उसका हम स्टडी करेंगे तो उसी के अंतर्गत हमारा क्या हो जाएगा? रूलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ जाएगा। इसलिए कॉमन वर्ड में एक लाइन में अगर सिविक्स की डेफिनेशंस लें तो सिविक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रेटजी, सिविक्स इज द स्टडी ऑफ द सिटीजंस एंड इट्स कंसर्न रूलिंग सिस्टम, राइट? क्लियर टू एवरीवन? इसके बावजूद भी बच्चों को किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप पॉलिटिकल साइंस 8, 9, 10 के लिए हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखें। और डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं समझता हूं कि सिविक्स की डेफिनेशन और सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस क्या है, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में मैंने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताया था कि डाइवर्सिटी क्या होता है। उसमें थोड़ा सा हमने बताया था कि इस चैप्टर्स में आपको क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें, सबसे पहले समझने का कोशिश करें कि व्हाट इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, राइट? फिर हम लोग देखेंगे आगे। सो द डियर स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी मीन्स द सिंपली द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, डिफरेंट अलग अलग चीज को देखना। जो If we go to your school, right? जब आप स्कूल जाते हो तो देखते हो कि जितने सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिस दिन हाउस वाइज ड्रेस पहनना होता है, सारे बच्चे अलग अलग हाउस के ग्रीन, रेड, येलो डिफरेंट टी शर्ट्स पहन के आते हैं, ठीक है। दूसरे चीज, आप सारे स्टूडेंट्स को देखते हो, सारे स्टूडेंट जब स्कूल जाते हो तो सारे के पास बैग होता है। सब, किसी का बैग काला, किसी का पीला, किसी का उजला, किसी का हरा, किसी का नीला, डिफरेंट कलर्स बैग्स यू हैव। सारे के पास बुक तो एक है, लेकिन उस बुक पे क्या है, सारे बच्चे कवर भी अलग अलग तरह से लगा लेते हैं। हालांकि ये स्कूल में कहा जाता है कि आपका यूनिफॉर्म आपका उस पर कवर होना चाहिए, ठीक है। इसके सारे बच्चे के पास पैन देखें, अलग अलग तरह के होते हैं ना। तो ये चीज क्या है, ये चीज डाइवर्सिटी है। आप स्कूल में जाते हो, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर में भी मेल टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं। टीचर्स जो है उनकी ड्रेस अलग है, मेल टीचर्स के ड्रेस अलग है, फीमेल टीचर्स के ड्रेस अलग है। जितने भी टीचर्स हैं अलग अलग लोकेलिटी से आए हुए हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ आपके लोकल एरिया से हैं, कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, कुछ दूसरे स्टेट से हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट सभी टीचर्स का बोलने का स्टाइल अलग अलग होता है, लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है, पढ़ाने का तौर तरीका अलग अलग होता है। तो ये जो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट ड्रेसेस, डिफरेंट जेंडर्स, राइट, डिफरेंट ट्रेडिशंस को हम आप स्कूल में जो देखते हो, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटीज, राइट? दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, अलग अलग प्रकार की चीजें। वेन एवर यू विल टॉक अबाउट द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द सोसाइटी, देन यू विल फाइंड दैट देर इज डाइवर्सिटी, देर इज, देर आर सम डिफरेंसेज अमंग ऑल। कुछ एनिमल्स
का कलर अलग होता है, लाइफस्टाइल मतलब उनका उनका खाना अलग होता है, कुछ क्या होते हैं, कुछ कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ प्लांट्स के अगर देखें तो लीव्स का लीव का साइज अलग अलग होता है, ब्रांचेज अलग अलग टाइप का होता है, तो दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट डाइवर्सिटी, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इफ इट विल बी कंसर्न टू द सिटीजन और द सोसाइटी, देन वट एवर द सिटीजन्स जस्ट रिसाइडिंग इन द सोसाइटी आर जस्ट डाइवर्स विद देयर डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स ट्रेडिशन, डाइवर्स लैंग्वेज, डाइवर्स लाइफ स्टाइल, डाइवर्स ऑक्यूपेशन, अलग अलग ऑक्यूपेशन के आधार पर, अलग अलग कल्चर के आधार पर, अलग अलग ट्रेडिशन के आधार पर, अलग अलग लैंग्वेज बोलने के आधार पर, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के आधार पर, ये क्या है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डाइवर्सिटी, राइट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी समथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड व्हाट जस्ट रिटन। डाइवर्सिटी जस्ट कंसर्न द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, राइट। अलग अलग तरह के रूप में देखना, अलग अलग जो चीज सोसाइटी में दिखता है, अलग अलग जो इन्वायरमेंट में दिखता है, उसी को हम डाइवर्सिटीज बोलते हैं। डाइवर्सिटीज का मतलब होता है वैरायटीज, अलग अलग प्रकार के, रेंज, डिफरेंट टाइप्स। इस डाइवर्सिटी वर्ड्स के डिफरेंट सिनोनिम्स के रूप में इस वर्ड को हम यूज करते हैं। अब आई थिंक वैरायटीज आप देखते हो, लंच बॉक्स आप जाते हो आपके रिसेस में, क्या करते हो, सारे स्टूडेंट्स लंच लाते हैं। सभी लंच में क्या होती है, वैरायटीज होता है ना। किसी के लंच बॉक्स में पकौड़ा होता है, किसी में चाउमीन होता है, किसी में ब्रेड होता है, किसी में बिस्किट होता है, किसी में पराठा होता है। तो ये क्या है, तो डिफरेंट, एक लंच बॉक्स मतलब डिफरेंट स्टूडेंट के लंच बॉक्स में अलग अलग डिशेज जो आप देखने को मिलता है, वो क्या है, दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ फूड। सारे का ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे टाइप्स ऑफ डिश का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे मतलब फूड सप्लीमेंट को फुलफिल करें, हमारे जो बॉडी की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उस न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का काम करता है। लेकिन वो अलग अलग वैरायटीज के डिशेज हैं, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गया, सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सारे क्या है, फूड के डिफरेंट वेराइटीज हैं। और वो फूड के सारे वेराइटीज कंबाइंडली क्या करते हैं, हमारे भूख को खत्म करते हैं, हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज द डाइवर्सिटी, राइट। इफ वी सी अराउंड अस प्लांट्स एनिमल्स सो डिफरेंट शेप्स कलर्स साइजेज एंड सो डिफरेंट बिहेवियर। अपने आसपास के डिफरेंट प्लांट्स को देखें, डिफरेंट एनिमल्स को देखें, तो सभी का बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई प्लांट तेजी से बढ़ता है, कोई प्लांट बहुत स्लोली ग्रो करता है। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, दो पाँव मतलब अगर ह्यूमन को लें तो 2 फुटेड होते हैं, एनिमल्स जो है वो 4 फुटेड होते हैं। तो कहने का मतलब यह है, ये क्या है, डाइवर्सिटीज है, जिसके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग उसके कलर होते हैं, और अलग अलग टाइप और कलर होते हैं तो उसके अलग अलग बिहेवियर भी होते हैं, राइट। तो ये डिफरेंट बिहेवियर जो शो होता है डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स का, उसी तरह से सोसाइटी में डिफरेंट पीपल्स का, इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। So if we see around us plants and animals of different shapes, colors, sizes and so different behavior, this is called diversity, right? Now dear students, diversity can be defined as the state of fact of being different and unique. ठीक है, अलग अलग और अलग रूप में दिखना, ठीक है। आप शादी में जाना जाते हो, कोई फंक्शन में जाते हो, ठीक है, सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, आप अपने आप को क्या चाहते हो, सबसे डिफरेंट दिखना, ठीक है, यूनिक दिखना, कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल सेंस सबसे डिफरेंट हो, आपका हेयर स्टाइल सबसे डिफरेंट हो, आपका शूज सबसे अलग हो, आपका ड्रेस पहनने का स्टाइल सबसे अलग हो। क्यों, क्योंकि इस आप अपने आप को मतलब आइडेंटिफाई करना चाहते हो। तो ये डाइवर्सिटीज से आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान बनती है, ठीक है। दैट्स व्हाई डाइवर्सिटी इज नीडेड एंड इट्स जस्ट द ब्यूटी ऑफ आवर सोसाइटी।
Dear students, let us see the another point. Diversity can be in terms of diverse. अब तो प्लांट्स कॉमनली डाइवर्सिटी का मतलब सबको समझ में आ गया होगा. अब हम लोग देखें कि सोसाइटी में द सोसाइटी इन विच वी आर जस्ट लिविंग द सोसाइटी इन विच वी आर जस्ट लिविंग राइट इन दैट सोसाइटी हाउ कैन एंड हाउ द डिफरेंट वेज इट इज रिफ्लेक्टेड राइट. सो डियर स्टूडेंट्स वेन एवर वी विल टॉक अबाउट द सोसाइटी द डाइवर्सिटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द जेंडर. मेल और जेंडर का मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल के फॉर्म में. दूसरा कलर, गोरे लोग होते हैं, काले लोग होते हैं, सांवले लोग होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं. ये क्या हो गया आपका, ये मतलब जेंडर में मेल और फीमेल, और मेल और फीमेल में कितने तरह के उसके हाइट है, कलर है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम ये डाइवर्सिटी दिखती है. लैंग्वेज, भाषा, आप देखते हो कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई असमिस बोलता है, कोई मराठा बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, ठीक है. कहने का मतलब ये कि अपनी कंट्री की बात करें इंडिया में तो इतने सारे डाइवर्सिटीज हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, और सारे स्टेट के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं. अगर ये मान लो कि पूरे कंट्री के सारे लोग एक साथ अगर बैठ जाए, ठीक है, सारे एरिया के कुछ कुछ लोग एक साथ बैठ जाए तो ड्रामा शुरू हो जाएगा, लोग समझ ही नहीं पाएंगे कौन क्या बोल रहा है. लेकिन इन सब के बावजूद सारे लोग यूनाइट होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट आवर पार्लियामेंट देन वी विल फाइंड दैट द डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट जस्ट कम्स आउट देयर एंड जस्ट शो देयर नीड्स एंड जस्ट रेज द देयर इशूज. तो लेकिन इन सारे के बावजूद भले ही डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन वो सारे क्या हैं, इन सारे किससे इंपॉर्टेंटली बन जाता है कि वो इंडियन है, वो इंडिया के सिटीजन्स हैं, राइट. सो हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, सभी के कल्चर्स होते हैं. आप ड्रेसेस सभी देखते हो, बिहार के लोगों का पहनने का ड्रेस अलग होता है. बिहार में ही अर्बन एरियाज के लोग अलग ड्रेस पहनते हैं, रूरल एरियाज में अलग पहनते हैं. उसी तरह डिफरेंट स्टेट का अपना अपना कुछ क्या है. अब देखो जम्मू एंड कश्मीर का आपने ड्रेस देखा होगा, कश्मीर का खास का तो कितना सुंदर मतलब ड्रेस है. गुजरात का ड्रेस देखिए, बिल्कुल ही बेस्ट होगा. आपको अगर ड्रेस देखना है तो स्टैंडर्ड 3 का एक वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने डिफरेंट ड्रेसेज ऑफ इंडिया का के बारे में बताया है, तो उसको भी आप देख करके समझ सकते हैं. उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन से ड्रेसेस हैं और किस तरह से लोग पहनते हैं, उसको मैंने ग्राफिक्स के माध्यम से बनाया है. उसी तरह से ट्रेडिशन, लोगों का रीति रिवाज, शादी, अगर रीति ट्रेडिशन कहने का मतलब क्या है कि ट्रेडिशंस मतलब क्या, किस तरह से वो ट्रेडिशन मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उनके अपने संस्कार कैसे होते हैं, जैसे उनकी शादी का क्या मेथड है, पूजा का क्या मेथड है, ठीक है. तो ये हो गया. उसके बाद बिलीफ, लोगों की आस्था, ठीक है, लोग क्या होते हैं, सत्य में भी विश्वास रखते हैं, कुछ लोग सत्य में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है, कुछ धर्म को मानते हैं, कुछ लोग धर्म को नहीं मानते हैं, कुछ हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ इस्लाम धर्म को मानते हैं. ये क्या हो गया, दिस इज जस्ट बिलीफ. इसी तरह से रीजन्स हो गया, अलग अलग क्षेत्र के लोग, बिहारी, बंगाली, असमीज, पंजाबी, मराठी, ये क्या हो गया, डिफरेंट रीजन्स हो गए, ठीक है. उसी तरह से डिफरेंट रिलीजन मतलब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है, सिख, ये सारा क्या हो गया, डिफरेंट रिलीजन्स के पीपल है. और सभी के ड्रेसेज क्या है, डिफरेंट है. इसी तरह से ऑक्यूपेशंस, कोई लोग काम करने, कुछ लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर में काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ एडवोकेट हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ वर्कर्स हैं, कोई कुछ काम नहीं करते हैं, दिन काटते हैं, स्टूडेंट्स हैं. तो ये सारा क्या हो गया, सभी लोगों का ऑक्यूपेशन डिफरेंट होता है, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ आई थिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी इज क्लियर टू एवरीवन. Now, in next video, we will just see the second part of this topic, and in that I will just explain you diversity and inequality. So just wait for the next video. Thank you. Have a nice day.